इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो अभी तक हमने सोचा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अब तो ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि हम सब के दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हज़ार तक विचार आते हैं, जिनमें से कुछ विचार नेगेटिव होते हैं, कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं, और कुछ विचार रिपीटेड भी होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचते रहते हैं। तो हम जिन विचारों को इम्पॉर्टेंस देते हैं वही विचार उभर कर हमारे सामने आते हैं। अगर हम नेगेटिव विचारों को इम्पॉर्टेंस देते हैं तो नेगेटिव विचार हमारे उभर कर आते हैं। अगर हम पॉजिटिव विचारों को इम्पॉर्टेंस देते हैं तो पॉजिटिव विचार उभर कर आते हैं। ये दोनों तरह के विचार ही हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव विचारों को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लोग ही हमेशा दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उनमें चुंबकीय शक्ति होती है, सब लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, सब लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक जाते जाते डेफिनेटली आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी राजा जी के पास भेंट देने के लिए निकलता है। रास्ते में बिल्ली उसका रास्ता काट जाती है, जिसके कारण व्यापारी घबरा जाता है और घर पर वापस आ जाता है और शुभ मुहूर्त का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो शुभ मुहूर्त देखकर घर से बाहर निकलता है, तब तक राजा के पास जाने वाली सवारी जा चुकी होती है, जिसके कारण वो राजा जी के पास समय से नहीं पहुंच पाता। राजा वहां पर भेंट ना पाकर गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण वो व्यापारी को व्यापार बढ़ाने की आज्ञा नहीं देता, उसका व्यापार बंद करवा देता है। व्यापारी को क्रोध आता है, वो घर पर आकर अपनी पत्नी से लड़ पड़ता है। पत्नी लड़ाई करके बच्चों समेत मायके चली जाती है। अब व्यापारी अपनी इस लड़ाई का कारण उस बिल्ली को मान रहा है। इसी तरह एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यापारी भी राजा जी को भेंट के लिए निकलता है, तो रास्ते में उसके भी बिल्ली रास्ता काट जाती है। वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अपनी सोच के कारण ही वो आगे बढ़ जाता है और समय से राजा के पास पहुंच जाता है। राजा को भेंट देता है, जिसके कारण राजा भेंट पाकर बहुत खुश होता है और उसे व्यापार बढ़ाने की आज्ञा दे देता है, और साथ ही उसे बहुत से वस्त्र और आभूषण देता है, जिन्हें वो घर पर लाकर अपनी पत्नी को देता है, और पत्नी वो वस्त्र आभूषण पाकर बहुत खुश होती है। सब और खुशियों की लहर दौड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें दोनों के साथ सेम घटना हुई, लेकिन दोनों अपनी सोच के कारण अलग अलग रिजल्ट पाते हैं। कई बार ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम अपनी सोच के कारण कई बार आगे बढ़ जाते हैं और कई बार पीछे रह जाते हैं। इसी तरह एक बार एक सेठ जी दो पंडितों को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए आते हैं। वो दोनों पंडित उनके घर भोजन करने के लिए जाते हैं। सेठ जी उनका बहुत मान सत्कार करते हैं, उनको बहुत ही प्यार से भोग करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, जिन्हें खाकर वो बहुत खुश होते हैं, और बाद में वो उन दोनों को 50-50 रुपए दक्षिणा देकर घर से विदा करते हैं। उनमें से एक पंडित तो बहुत खुश होता है और दूसरा पंडित दुखी होता है। जब वो दोनों पुजारी जी के पास पहुँचते हैं तो पुजारी जी उनसे पूछते हैं कि क्या बात, आप दुखी क्यों हो, क्या आपका सेठ जी ने अच्छे से मान सत्कार नहीं किया। तब उन दोनों ने बताया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पुजारी जी ने पूछा, पहले दुखी व्यक्ति से पूछा कि आप बताओ आपके दुख का क्या कारण है। तब वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो ऐसे था कि सेठ इतना धनवान है, इतना बड़ा सेठ है, हमें कम से कम 100 रुपये दक्षिणा तो देगा ही, लेकिन उसने हमें 50 रुपये दक्षिणा दी, इसके कारण मैं दुखी हूँ। तब पुजारी जी ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो। तब उसने बताया कि मैंने तो सुना था कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं, मुझे तो ऐसे था कि वो 10-10 रुपए ही दक्षिणा देंगे, लेकिन उन्होंने तो 50 रुपए दे दिए। तो हमारे साथ भी यही होता है कि सेम परिस्थिति में भी हम सबके रिएक्शन अलग अलग होते हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर हमारी सोच पॉजिटिव होते हैं तो हम उसी स्थिति में
सुखी भी हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। ये कभी नहीं सोचें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, हमेशा ये सोचें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया, अपनी सोच को पॉजिटिव कर लिया, हालात अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप अब तक आपकी सोच भी पॉजिटिव हो चुकी होगी। अगर आपकी सोच अभी भी पॉजिटिव नहीं हुई तो आप नॉर्मन विंसेंट पील की ये बुक सकारात्मक सोच की शक्ति ये भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो आप उसे मंगवा कर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बाय।